Uh, क्योंकि आप देखें मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है तो कोशिश करेंगे कि उसी तरह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और इसी तरह वहाँ जाके भी वही खेल पेश करें आ, अच्छा क्या कहेंगे कि के मिसबा और यूनस के बाद अब मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आपके ऊपर बड़ी नज़र है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारी दुनिया के आप भी एक लंबी क्रिकेट खेलेंगे और बड़े रनस करेंगे साथ साथ ये भी बता दें कल बाबर आजम लाटन नोट छोटा डॉन आपको बोल दिया ये आपको मजाक में कहा या वो क्या है चक्कर कैसे बता दें नहीं वो तो उन्होंने मजाक में किया वो उनका प्यार है तो वो इसी तरह हमें जब वो कप्तान भी थे तो इसी तरह वो हमें लेके चलते थे वो तो ये उनका प्यार है उसमें कोई बात नहीं है और जहाँ तक आपने मिडिल ऑर्डर वाली आ, सवाल किया तो आ, देखें जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप, आप हर प्लेयर ही इंपॉर्टेंट होता है इसका ये वो काम होता है कि वो वहाँ पे परफॉर्मेंस करे और पाकिस्तान को जिताए और इतना इतना ज़्यादा सोचते हैं नहीं है लंबी क्रिकेट का मैच बाय मैच लेके चलते हैं कोशिश करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान वहाँ पर मैच जीते साउथ डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ होगी डिफरेंट होगी द वर्ल्ड कप तो क्या खसूस इस हवाले से आप लोगों ने क्योंकि एनवायरनमेंट भी 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 डिफरेंट है भी है हैं और आपको पता उधर की क्योंकि देखिए अगर आप लोग दो दिन से हमारी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो तो आपको बज़ाय नजर आ रहा होगा कि जिस तरह की हमने पिचेस यहाँ पे बनवाई हैं और थोड़ा सा उसमें बाउंस भी छोड़ा है उसमें अच्छा खासा सीम और सीम भी छोड़ा है साउथ अफ्रीकन पिक्चर्स में सॉरी ऑस्ट्रेलियन पिक्चर्स में हमेशा से बाउंस होता है और कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द अडॉप्ट करें वहाँ पर जाके थोड़ा सा अर्ली भी जा रहे हैं हमारा वहाँ पर फोर डे गेम भी है तो जितना जल्दी हम चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे वहाँ जाके तो हमारे लिए आसानी होगी उन उनका डी सेंसर यूज होने में सऊदी श्रीलंका में आपने डबल हंड्रेड किया था पहले पाकिस्तान भी बने थे रिकॉर्ड भी बनाया था

खेल पेश करें रिकॉर्ड बनाएं हम कोई भी सीरीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और खासतौर पर यह ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा टूर होता है एज अ प्लेयर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप भी वहाँ जाकर टेस्ट हो रहे होते हैं आपके स्किल टेस्ट हो रहे होते हैं वहाँ पर जाके तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एज अ प्लेयर भी चैलेंज होता है एज अ टीम भी वो चैलेंज होता है तो अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे हमने जो बात मैंने पहले भी की कि अच्छी इंटेंट इंटेंट आपको वहाँ पर भी जरूर दिखेगी बाज़ार सारे प्लेयर्स की तरफ से तो कोशिश करेंगे अच्छा खेल पेश करें वहाँ सर ये बता दें कि पिछले एक साल से पाकिस्तान जो है वो एशियन पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके वो कितना आपके लिए चैलेंजेस होगा होल टीम के लिए क्योंकि तो वहां पे डिफरेंट होंगी तो वो कितना आपके लिए एक चैलेंज होगा देखिए मैंने अभी यही बात बताया कि हम वहां जा रहे हैं और मेरा भी पहला टूर है और में इस टीम में मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारे प्लेयरों का ये पहला ऑस्ट्रेलियन टूर होगा टेस्ट सीरीज में बखार तीन चार प्लेयर ऐसे होंगे जो पहले खेले हुए होंगे तो जब भी हम थोड़ा सा अर्ली भी जा रहे हैं वहाँ पे जाके हमें फोर डे मैच खेलने को मिल जाएगा हमें वहाँ पे तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा तो को, कोशिश यही रहेगी कि, कि जो उन पिचेज में बाउंस होता है उससे कितनी जल्दी हम यूज टू हो जाएँ और अपने आप को चीज़ में ढाल लें तो हमारे लिए और आसानी होगी कोशिश यही रहेगी हमारी बता बता दें दें कि कि जो जो भी भी ये प्लेयर होते हैं वो अपने लिए नहीं खेलता टीम के लिए नहीं खेलता और एक परसेप्शन क्रिएट हुई है कि ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है नहीं मेरा ख्याल है कि ये गलत आपको लग रहा है ऐसा कोई भी इस तरह नहीं खेलना चाहता कि वो अपने लिए खेले और टीम को ना खेले आप पाकिस्तान के लिए खेल खेलने होते हैं आपने एक सितारा पहना हुआ होता तो आप उसी के लिए हमेशा खेलते हैं। मेरा ख्याल है कि ये आप गलत गलत सोच रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं असगर मुबारक आपके करीब करूँ ये बताइए कि जिस तरह आप यहाँ बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग पे तोज़ दे रहे हैं क्या फिज़िकल फिटनेस और मेंटली तौर पे आपको स्ट्रांग करने के लिए कोई स्पेशल लेक्चर जो है वो दिए गए हैं जो उसके लिए कुछ आपकी टीम की तरफ से खिलाड़ियों की तरफ से कुछ डिमांड की गई है कि फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ आपको जो है वो फिजिकल फिटनेस के साथ आपको मेंटली तौर पे भी किसी ऐसे वगैरह जो जो होते हैं माहिर नफ्सियात उनके साथ भी आपकी टीम की कोई बैठक रखी जाए हाँ देखिए वो वर्ल्ड कप में थे हमारे साथ एक मायरे नफसयात थे आ, लेकिन ये कि इस टोर पर साथ नहीं है लेकिन काफ़ी हम चीज़ों को ख़ुद भी देखते हैं अगर हम अपनी फिटनेस देखें हम सब प्रो प्रोफेशनल्स हैं तो आपको खुद ख्याल रखना पड़ता है सारी चीज़ों का अपनी फ़िटनेस का अपनी डाइट का ख़ुद ख्याल रखना पड़ता है तो मेरे ख़्याल में कि अब लड़कियों से स्टेज से निकल गए कि आप उनको आप ज़बरदस्ती कोई पुश करें अगर आप अगर आप दो दिन से आ रहे हों तो अगर आप देख रहे होंगे कि सब अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं सब अपने स्किल्स का भी ख्याल रख रहे हैं तो मेरा ख्याल है एज अ प्रोफेशनल आप ख़ुद ही इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जी, जी बिल्कुल अगर देखें इस तरह का ये मतलब नहीं होता अगर हम कभी भी हम पाक बॉल की बात कर रहे थे आप जो आपने एक टाइम यूज़ की आम, हम श्रीलंका में भी कोई इस तरह नहीं खेल रहे थे कि हमने बिल्कुल ही मारदार शुरू कर दी थी या हम बस अपनी एक इंटेंट अच्छी शो कर रहे थे और हम बहुत क्रिकेटिंग शॉट्स खेल लेते तो कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिले हम इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल ही मारदार शुरू कर दें आप कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी इंटेंट के साथ एक पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और आप अच्छे शॉट्स खेलें ताकि एक एक आवाम को भी देखने का मजा है आप लोग ने भी खैर श्रीलंका सीरीज़ इन्जॉय की होगी तो हमारी जितनी भी हफीज़ भाई से भी हमारी बात हुई और शान भाई का भी जो सारा इनपुट है वो यही है कि आप आप अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेलें एंटेन के साथ सर माजी में पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता तो ये पाकिस्तान का कभी ना जीतना एक प्रेशर होता है या एक तरह का एक साया रिलीफ है यार कभी नहीं जीते हम जीत जाएंगे तो हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है जीतने के लिए एक सीरीज है नहीं देखें आम, मुझे मुझे पुराना नहीं पता मैं मैं, मैं मेरा फर्स्ट हुआ है लेकिन तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैंने हमेशा से ये बात की है कि ऑन द डे जब भी मैं परफॉर्म करूँ तो पाकिस्तान टीम जीते लेकिन इस तरह कभी भी आप नहीं सोचते अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर होते हो तो आप कभी भी ये नहीं सोचते कि आप माजी में हार गए तो कहो क्या हुआ अगर हम भी हार गए ऐसा बिल्कुल भी हम खैर मेरा मेरा जो ग्रुप टीम में है मतलब जो हम ये पंद्रह सोलह का टीम है हम बाज़ार इस तरह नहीं सोचते चीज़ों का थैंक यू थैंक यू